नेचर कभी कभी हमारे साथ मजाक करता है और इसीलिए हमें नेचर के कई एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं और इसी वजह से हमें कई ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो नॉर्मल जानवर की तरह नहीं होते हैं। ये जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, जैसे कि एक एक्स्ट्रा हेड, 8 पैरों वाली बकरी और 1 आंख वाली बिल्ली। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी अजीब जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया से अलग पैदा हुए थे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक के जरूर देखते रहना। नंबर 6, गोट विथ 8 लेग्स। ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री क्रोटिया के एक फार्म में रहने वाली सारका नाम की एक बकरी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। बकरी का यह बच्चा पूरी दुनिया में ऑक्टोकॉट नाम से फेमस हो गया क्योंकि इसके 8 पैर थे जो कि एक ऑक्टोपस से सिमिलर थे और इसी वजह से इसका नाम ऑक्टोकॉट रखा गया। इसके साथ ही 2 बेबी गोट्स और पैदा हुए थे जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल थे। इस फॉर्म के ऑनर मिस्टर पेपरविक ने जब इस गोट को देखा तब उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने डबल चेक करवाने के लिए अपने पड़ोसी को बुलाया कि क्या सच में भी ये गोट 8 पैरों के साथ पैदा हुई है। बहुत से लोग इस गोट को देखकर ये कह रहे थे कि ये गोट शैतान की भेजी हुई है, लेकिन इस गोट का नेचर बहुत ही अच्छा है और ये किसी भी करिश्मे से कम नहीं था कि ये गोट सर्वाइव कर गई थी। नंबर 5, वन आइड बंगाल किटन। बेबी किटन तो हर किसी को प्यारे होते हैं, लेकिन अगर आप इस किटन को देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे क्योंकि ये बेबी किटन सिर्फ 1 आंख के साथ पैदा हुई थी। इस बेबी किटन को लोग साइक्लोप्स किटन के नाम से पुकार रहे थे क्योंकि इसकी सिर्फ 1 ही आंख थी जो कि उसके फोरहेड के बिल्कुल बीचों बीच थी। जब उनकी प्रेग्नेंट कैट ने बेबी किटन को जन्म दिया तब इस कैट का पहला बेबी किटन तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब सेकेंड बेबी इस दुनिया में आया तो उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए क्योंकि ये बेबी किटन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूटेशन के साथ में पैदा हुआ था जिसके फोरहेड के बीचों बीच एक बड़ी सी आंख थी, जिसके बाद इस बेबी किटन को क्लाइड नाम दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैदा होने के सिर्फ कुछ मिनट्स बाद ही ये किटन मर गया। ये आज तक पैदा होने वाला इकलौता किटन था जो कि 1 आंख के साथ पैदा हुआ था। नंबर 4, थ्री हेडेड फ्रॉग। अभी तक जिस किटन के बारे में हमने जाना उसकी सिर्फ 1 ही आंख थी, लेकिन अभी आप जिस फ्रॉग के बारे में जानने वाले हो उसके 3 सर हैं और जिन्हें फ्रॉग से डर लगता है उनके लिए तो ये बहुत ही डरावना है। वेस्टर्न इंग्लैंड के सीसाइड टाउन के एक नर्सरी में एक 3 सर वाला फ्रॉग देखा गया। इसे देखने पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे कुछ प्रॉब्लम है, ये दिखने में बिल्कुल ही खुश लग रहा था। इन 3 सर के अलावा इस फ्रॉग के 6 पैर हैं। इस नर्सरी की केयर टेकर को पहले तो ये लगा कि ये 3 फ्रॉग हैं जो कि एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये उस फ्रॉग के पास गए तब उन्होंने ये देखा कि ये तीनों सर एक ही बॉडी से जुड़े हुए हैं और ये तीनों सर ही बिल्कुल फंक्शनल थे। लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं है कि ये तीनों सर ही खाना खा पाते हैं या नहीं। ये फ्रॉग बहुत ही अनयूजुअल था, इसलिए नर्सरी स्टाफ ने इसे पकड़कर एक प्लास्टिक कंटेनर में रख दिया था, लेकिन जल्द ही ये उस कंटेनर से भाग गया। नंबर 3, कैट विथ विंग्स। कैट बर्ड्स की बहुत बड़ी दुश्मन होती हैं, लेकिन कौन सोच सकता था कि कैट के भी विंग्स हो सकते हैं। चाइना के शिजवान प्रोविंस में रहने वाली एक कैट की वीडियो जब इंटरनेट पर आई तब वो तेजी से वायरल होने लगी क्योंकि ये कैट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी बल्कि इस कैट के पर थे, जैसे कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस कैट की बॉडी पर एक्स्ट्रा स्किन ग्रो होते हुए देखी जा सकती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये विंग सिर्फ स्किन और फर के नहीं बल्कि इन परों में हड्डियां और मसल्स भी हैं जो कि उड़ने के लिए काफी हैं, जिन्होंने साइंटिस्ट को भी हैरानी में डाल दिया। एक्सपर्ट के मुताबिक इन विंग्स की वजह से इस कैट को कोई भी पेन नहीं होता और ना ही इसकी वजह से इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है। ये बात किसी को भी पता नहीं है कि इन विंग्स के ग्रो होने का रीजन क्या है। नंबर 2, टू हेडेड पिग। जिसे कि इस वीडियो में आपने 3 हेड वाला फ्रॉग देखा, वैसे ही ये पिग भी 2 हेड के साथ में पैदा हुआ था। और क्या आप गेस कर सकते हो कि ये पिग कहां पैदा हुआ था? तो शायद आपका जवाब चाइना होगा,
जो कि बिल्कुल सही है। ये चाइना की जोजो सिटी की एक फार्मर हैं, जो कि अपने इस अनोखे पिगलेट को सबके सामने शो कर रही हैं। इस अनोखे पिगलेट की 3 आईज, 2 नोज और 2 माउथ हैं। इस पिगलेट की ऑनर जोंग गोयन का ये कहना है कि इन्होंने इस पिगलेट की मदर को रो वीट की एक नॉर्मल डाइट दी थी और कुछ भी इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खिलाया। और इस पिगलेट की मदर उनके पास इस पिगलेट के पैदा होने के 3 साल पहले से है। जब इस पिगलेट के पिक्चर्स इंटरनेट पर लीक हुए, तब लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से इस फार्म पर सिर्फ इस पिगलेट को देखने के लिए आया करते थे। 2-हेडेड पिगलेट होना एक रेयर बात है, लेकिन चाइना के लिए यह एक नॉर्मल बात है। 2015 में एक आदमी बुद्धिस्ट टेम्पल के बाहर एक 2-हेडेड पिगलेट को छोड़ गया था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि इस पिगलेट के भी 2 सर हैं, लेकिन जोंग का यह कहना है कि उन्हें यह पिगलेट बहुत ही प्यारा है और वह किसी भी कीमत पर इसे नहीं देंगे, क्योंकि उनका यह मानना है कि यह पिगलेट बहुत ही स्पेशल है। ये फोटो जो भी आप देख रहे हो, इसमें एक आदमी की बॉडी और एक बुल का सर है। अगर आप ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में जानते हो तो आपको मिनिटॉर के बारे में पता ही होगा, जो कि आधा आदमी और आधा बुल था। और इस मिनिटॉर को ग्रीक हीरो थीसियस ने मार दिया था, और ये फोटो मिनिटॉर की उसी कंडीशन को शो करता है। लेकिन ये अजीब सा जीव ब्राजील में देखा गया था, और जब इसकी फोटो इंटरनेट पर आई तब इसे देखकर लोग मिनिटॉर को याद कर रहे थे। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये फोटो बिल्कुल फेक है, जबकि जो शख्स इस फोटो का ऑनर है उसका ये कहना है कि ये फोटो बिल्कुल ही रियल है। और ये आदमी तब से ही उसे प्रूफ करने में लगा हुआ है कि मिनिटॉर्स रियल लाइफ में मौजूद हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1, फिश विथ 2 माउथ। अभी जो आप फिश देखने वाले हो वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस फिश के एक नहीं बल्कि 2 माउथ हैं। अगस्त 2019 में एक वुमन न्यूयॉर्क और वर्मोंट की बॉर्डर पर बनी हुई एक लेक कैंपलेन पर फिशिंग कर रही थी, लेकिन इसके हाथ जो लगा वो सबको हैरान कर देने वाला था। डेबी गेडिस नाम की वुमन ने इस अनोखी फिश को पकड़ा था, जो कि न्यूयॉर्क से है। डेबी ने इस मछली के फोटोज क्लिक किए और उसे अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दिया, जो कि बहुत जल्दी वायरल भी हो गए। यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच ये लेक काफी फेमस है। इन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर ऐसे कई और मॉन्स्टर भी मौजूद हैं, जो कि 10 फीट तक लंबे होते हैं। ये फर्स्ट यूरोपियन है जिन्होंने इस लेक की खोज की थी। इनका नाम सैमुअल द कैंपलेन है, और इन्हीं के नाम पर इस लेक का नाम रखा गया है। यहाँ के रहने वाले लोगों का ये मानना है कि ये लेक बहुत ही अजीब है, और यहाँ पर ऐसे कई म्यूटेंट फिश को देखा गया है। और उनका ये भी मानना है कि इस लेक के अंदर और भी कई म्यूटेंट फिश मौजूद हैं। आपको कौन से एनिमल को देखकर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।